कातिल पुलिस के शिकंजे में। थाना भवानीगंज क्षेत्रांतर्गत हुई नरसंहार हत्या की घटना कारित करने वाले चार अभियुक्तों को पुलिस ने दबोचकर उनके मुंह से सच्चाई उगलवाली। आपको बताते चले कि दिनांक 5 और 6 जुलाई 2023 को थाना भवानीगंज पर क्षेत्रांतर्गत ग्राम गोटुटवा में शिवराम गौतम उर्फ सूरज पुत्र भगन निवासी वैश्यडी इतिरामपुर जनपद बलरामपुर की हत्या के संबंध में थाना भवानीगंज में मुकदमा पंजीकृत हुआ था। पुलिस पर इस हत्या को लेकर काफी दबाव था। खुद पुलिस अधीक्षक अमित आनंद ने मौका ए वारदात का मुआयना किया था। भवानीगंज पुलिस टीम द्वारा उक्त हत्या की घटना कारित करने वाले चार अभियुक्तगण को थाना भवानीगंज क्षेत्रांतर्गत गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण से पूछताछ किया गया तो बताए कि 5 जुलाई 2023 की शाम को राममिलन से सूरज मृतक का रामविलास यादव के 3000 रुपए को लेकर झंडे नगर चौराहा जनपद बलरामपुर के पास वाद विवाद हो गया था। इसी गुस्से में राम लखन, राम विलास, किशोर, मुकेश रात को ही सूरज के घर ग्राम बैसडी गए, लेकिन वहां पर सूरज नहीं मिला था। उसका मोटरसाइकिल उसके घर से लेकर चले आए, जिसके संबंध में U0P0112 पर कॉल कर सूरज द्वारा लूट किए जाने, 10,000 रुपए छीन लिए जाने व सूरज द्वारा जल्दबाजी में अपनी मोटरसाइकिल छोड़ जाने की सूचना दिए थे। द 5 और 6 जुलाई 2023 की रात्रि को पुनः सूरज मृतक जब मोटरसाइकिल मांगने आया तो आनंद यादव उर्फ नंदे गुस्से में आनंद के घर में खींचकर ले जाकर चोर चोर कहकर उसको मारे पीटे। फिर वह हम लोगों से छुड़ाकर गांव के बाहर भागा, जहां रामसेवक के घर के पास खंभे के पोल के पास हम लोगों के साथ साथ गांव के कई लोग मिलकर उसे लाठी डंडे लात और हाथ से मारे पीटे, जिससे वही उसकी मृत्यु हो गई। 6 जुलाई की अर्ली मॉर्निंग पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी कि एक चोर को पकड़ा गया है और जिसके साथ गाँव वालों ने मारपीट करी, जिसके कारण उसकी मृत्यु हुई है। इसमें तुरंत मुकदमा पंजीकृत किया गया। इसमें गहराई से जांच की गई तो अन्य तथ्य भी इसमें सामने आए। जो मृतक इसमें सूरज है, वो पास ही बलरामपुर डिस्ट्रिक्ट के बैसडी गांव का रहने वाला था। इसकी पिछली रात को इसी गांव के कुछ लोगों से विवाद हुआ था। इसमें से रामविलास एक व्यक्ति है, उससे उसने 3000 रुपये उधार लिया था। इसी उधारी को लेकर वाद विवाद हुआ था। रात्रि में ये लोग इसके गाँव गए और इसकी बाइक उठा लाए। फिर इन्होंने UP 112 पे एक झूठी सूचना दी कि इस व्यक्ति ने हमारे साथ लूट कारित की है और इसकी बाइक उठा के अपने गांव ले आए थे। रात्रि में जब सूरज अपनी बाइक लेने के लिए इनके गांव पे आया तो इन्होंने इसको पकड़ लिया और इसमें आनंद के घर पे इसको ले गए, इसके साथ मारपीट करी। जब वो भागने का प्रयास किया तो इसके साथ चोर चोर का हल्ला कर दिया। इस हल्ले में गांव के अन्य लोग भी आ गए और इसके साथ अधिक मात्रा में मारपीट हो गई और इस कारण से इसकी मृत्यु हो गई। इस प्रकरण में अभी तक कुल 7 लोगों का नाम आया है। इसमें 4 लोगों की आज गिरफ्तारी कर ली गई है, जिनका नाम राम लखन, आनंद यादव, चंदन यादव और आनंद की पत्नी मैना देवी है। इसमें 3 लोग अभी वांछित है। इसमें अभी तहकीकात की जा रही है। इस पूरे घटनाक्रम में और भी अन्य लोग जो इसमें शामिल है उसको प्रकाश में लाया जाएगा और उनके विरुद्ध विधिक कार्रवाई पूर्ण करी जाएगी।